राजकुमारी ने कमालुद्दीन का यह फकरा सुना तो बेसाख्ता हंस पड़ी और कमालुद्दीन के इस हमराही की तरफ देखकर बोली, आप मुतमईन रहें, अब ऐसी कोई बला ना नाजिल होगी जो होना था हो चुका, अब फिक्र की जरूरत नहीं। कमालुद्दीन के उस हमराही ने कहा, आप दुरुस्त कह रही हैं, ताहम एहतियात जरूरी है। ये सुनकर कमालुद्दीन बोला, गो अब मजीद किसी बला के नाजिल होने का कोई इम्कान नहीं है, ताहम अब हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, आफ्ताब भी गुरूब होने को है, हम भी मेरठ चलते हैं। इसके बाद कमालुद्दीन और उसके हमराही भी कुतुबुद्दीन ऐबक के पीछे चलते हुए मेरठ शहर की तरफ रवाना हो गए। राह में चलते हुए राजकुमारी रतनबाई ने सरदार कमालुद्दीन समरकंदी से मुखातिब होकर कहा, क्या आप दिल्ली पर भी हमला करेंगे? पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त फाश के बाद हम उसके इलाकों के जायज तौर पर मालिको मुख्तार करार पाते हैं। सरदार कमालुद्दीन ने कहा, उसके अजीजो अकारिब खराज की अदायगी पर अपने इलाकों की हाकमियत पर बरकरार रखे गए थे, लेकिन अब उन लोगों ने, जिसे चंद वालिये कनूज की शह पर बगावत के इरादे बांधे हैं, और वो बागी हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने इलाकों में आबाद मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया है और सैकड़ों मुसलमानों को कैदोबंद की सौबतों में मुब्तला कर रखा है। जाहिर है हम इस सूरत हाल पर खामोश नहीं रह सकते, अब हमारा गैज़ो गज़ब शेर जख्म खुर्दा की मानिंद कुफार को तहोबाला कर देगा। आज हमें शानदार फतह हासिल हुई है जिसका एक जिंदा सबूत तुम मौजूद हो, अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी तरह फतह व नुसरत हमारी रफीक़े हाल रहेगी और हम जल्द ही दिल्ली के बागियों को भी करार वाकई सजा देंगे, उनका कलाकमा करके रख देंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, राजकुमारी ने कहा, यह हकीकत है कि जे चंद वालिया कनूज हिंदुस्तान के सारे राज्यों को मुत्तहिद करके मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहता है। दिल्ली और मेरठ के राजाओं ने उसी के ईमा पर मुसलमानों के खिलाफ इकदामात शुरू किए हैं। हिंदुओं की इस जबिल्ली आदत में कभी फर्क नहीं पड़ा, कमालुद्दीन ने कहा, कि ये नाआकबत अंदेश हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहते हैं या फिर मगलूब होकर बड़ी आजजी के साथ खुशामद करने लगते हैं और हमेशा के लिए अमनो अमान के अहदो पैमान कर लेते हैं, लेकिन जल्द ही अहदो पैमान को फरामोश करके फिर फितना फसाद बर्पा करने में मसरूफ हो जाते हैं। राजकुमारी अजीब उम्मीद बेम की हालत में थी। कभी वो अपने दिल में कहती थी कि मैं जो ख्याल करती थी और जैसा मैंने कैदी मुसलमानों के साथ अपनी कौम के बर्ताव को देखा था, मेरे साथ दिल आजारी और दुरुस्त खोई की कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मुझे तो बड़ी तसल्ली और तशफ़ी दी गई है और मुझे यकीन दिलाया गया है कि मेरे साथ कोई बदसलूकी ना होगी और ना मुझ पर कोई सख्ती होगी। मेरे साथ वाज़े अल्फाज में ये वादा किया गया है कि इसके सिवा मैं अपनी कौम और अपने वतन से दूर रहूँगी, मेरी इस असीरी का कोई और नागवार असर मुझ पर मुरतब नहीं होगा। इसी के साथ ये भी हुआ है कि न जाने मेरे दिल में खुद ब खुद ऐसी तब्दीली क्यों वाक़ हो गई है और ऐसे ख्यालात क्यों पैदा हो गए हैं कि जिनको मुझसे जहाँ तक मुमकिन होगा मैं छुपाने की कोशिश करूँगी, अगरचे मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी इस कोशिश में खातिर ख़ा कामयाबी हासिल ना हो सकेगी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हिंदुओं की बदअहदी और पुरअमन मुसलमान रियाया पर मजालिम देख कर मुसलमानों के दिलों में उनके खिलाफ नफरत की आग भड़क उठी है और हर मुसलमान की ये दिली आरजू मालूम होती है कि अगर उसे कुदरत हासिल हो जाए तो वो हिंदुस्तान से हिंदुओं का नामो निशान तक मिटा डाले। इस सूरत में जिन लोगों के दिलों में हिंदुओं की तरफ से इस कदर कुदूरत और कीना हो, वो एक हिंदू कैदी के साथ क्या खाक रियायत करेंगे, क्या वो मेरी हालत पर रहम करेंगे? ये बात हरगिज करीने कयास नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुझे कत्ल करके मेरी नाश को इस जंगल में फेंक देना इनकी तस्कीन खातिर के लिए काफी न था। गालिबन वो मुझे तरह तरह की अजियतें पहुंचाकर अपना दिल ठंडा करेंगे या फिर वो अपनी कौम को मेरी दर्दनाक हालत का मुशाहिदा कराकर खुश करना चाहते होंगे, इसीलिए मुझे तसल्ली और तशफी देकर अपने हमरा लिए जा रहे हैं। आह राजकुमारी रतनबाई, तुझसे ज्यादा बदकिस्मत लड़की सरजमीन हिंद में आज तक तो न पैदा हुई है और ना होगी। मेरी नातजर्बाकारी और मासूमियत ने मुझ पर यह सितम ढाया है कि मेरी बाज़ हरकात सकनात, अंदाज़े निगाह और तर्ज़े गुफ्तगू यकायक हालत खौफजदगी के दूर हो जाने और आंसू बहाने तबस्सुम ज़ेरे लबी के साथ बातें शुरू कर देने से मेरी शोख चश्मी और मेरी कौम की बेवकारी उन पर आया हो गई होगी। ये सदमा मरते मरते भी मेरे दिल से दूर ना होगा। सरदार कमालुद्दीन एक खूबरू खूबसूरत नौजवान है। उसका दिल मोह लेने वाला चेहरा, रोशन और बुलंद पेशानी, शजाना अज़्म और मतानत आगी हरकत से साबित होता है कि वो एक अक्लमंद इंसान है। वो यकीनन मेरी अज़ खुद रफ्तगी को ताड़ गया होगा और मेरी दिली कैफियत से वाकिफ हो चुका होगा। जब मेरी शर्मगी निगाहें चुपके चुपके उसके आफ्ताब से ज़्यादा रोशन चेहरे पर पड़ती थीं तो साफ जाहिर हो जाता था
कि वो जानबूझकर अपने हमराहियों की तरफ देखने लगता है और खामखा दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। ये उसकी आला नस्बी शरीफाना तरबियत और बुलंद ख्याली का असर है। इसमें कोई शक को शुबा नहीं कि ये शख्स अपनी शराफत और पाकीज़ा ख्याली के बायस दिल में जगह पाने के काबिल है। काश इसका दिल मेरे पहलू में और मेरा दिल उसके पहलू में होता। वो आखिरी हद तक ज़हीन भी है। मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो पहले से ही जान गए थे कि राजकुमारी रतनबाई हूँ मैं। इसके बावजूद कि कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुओं को मौत के घाट उतार रहे थे और उनके खून के प्यासे बने हुए थे, मगर कमालुद्दीन ने मुझे पहले ही से बता दिया था कि मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरे बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया था वो कमाल ने पहले ही मुझे कह दिए थे। अपनी सोच बचार के इस मरहले पर राजकुमारी के ख्यालात का रुख एक बार फिर बदल गया और वो इस सोच में महव हो गई कि आखिर कमालुद्दीन को मेरे मुतालिक ये किस तरह पता चल गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक मुझको माफ़ कर देंगे और किसी किस्म की तकलीफ न पहुँचाएंगे। आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरे साथ वही सलूक क्यों रवा रखा जिसका इजहार सरदार कमालुद्दीन ने पहले से कर दिया था। अगरचे इस लतीफ सवाल का खुद राजकुमारी रतनबाई का बेचैन दिल तफसील के साथ न दे सका था, ताहम इशारतन और किनायतन उसके दिल की तरफ से उसे जो जवाब मिला था गालिबन ये उसी का नतीजा था कि राजकुमारी ने खुद ब खुद शर्म से दोहरी हो होकर कई बार अपनी अरकालूद पेशानी पर दामन रख रख कर उठाया। वो हसरत व यास के जो तीरा तारीख मनाजिर देख चुकी थी अब उसे उसमें उम्मीद की रोशनी की झलक दिखाई देने लगी थी और वो ख्याल ही ख्याल में अपने गारत गरे सब्र व करार कमाल की दीद के नज़ारे में महव हो गई थी और बड़े गौर से अपने हर हर उज्व को उसकी नज़र से देखती रही थी कि वो वाकई इस कदर हसीनो जमील है कि कोई उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो सके। गरज ये कि राजकुमारी रतनबाई का बेकरार दिल तलिस्म मोहब्बत के अजायबात में यूं ही महवे तमाशा रहा और उसका काफिला मीरठ शहर में दाखिल हो गया। उनका काफिला कलाए मीरठ के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि मुसलमान लश्करी कले की हिफाजत पर मामूर हैं, फसीलों और बुर्जों पर भी बाकायदा पहरा है। कले के सब दरवाजे बंद कर दिए गए थे, सिर्फ एक तरफ का एक दरवाजा इस गरज से खुला हुआ था कि दुश्मन के ताकुब में जाने वाले लश्करी लौट कर कले में दाखिल हो सके। सरदार कमालुद्दीन अपने साथियों के हमरा उस नीम बाज दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक दस्ता जो कि सवारों पर मुश्तमिल था और कले के बाहर बतौर तिलाया मौजूद था उसी दरवाजे से गुजरकर सिपा सालार कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ देर कबल कले में दाखिल हुए थे, इसलिए तिलाया का दस्ता पूरी तरह चाकोत चौबंद था। कमालुद्दीन के एक हमराही निज़ाम ने दूर ही से बा आवाज़ बुलंद एक अस्करी इस्तला में इन सवारों को सरदार कमालुद्दीन के पहुँचने की इत्तला दी। तिलाया दस्ता के नौजवानों ने खुशी के नारे बुलंद किए। उस वक्त जो अफसर हिफाजती फराइज सर अंजाम दे रहे थे उन्होंने कले से बाहर निकलकर सरदार कमालुद्दीन का इस्तकबाल किया। सरदार कमाल ने उनकी मुस्तादी और कलेदारी के इंतजाम पर इजहार मुसर्रत किया और अपने साथियों के साथ कले में दाखिल हो गया। सरदार कमाल अफसरों से बातें करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस क़यामगाह पर पहुंचा जो जिम्मेदार अफसरों ने उसके क़याम के लिए मुंतखब कर रखी थी। ये एक खुशवजा संगीन कसर था जो कला मीरठ के जनूबी गोशे में वाक़ था। इस कसर के शानदार कमरों से जाहिर होता था कि ये आला ओहदों पर मामूर बड़े सरदारों की सुकूनत का मकाम है। सरदार कमाल ने घोड़े से उतरते ही झुक कर निज़ाम से शायद राजकुमारी रतनबाई के बारे में कुछ कहा, क्योंकि उसके फौरन बाद निज़ाम राजकुमारी को अपने साथियों के हमरा लेकर उस कसर की एक तरफ बढ़ गया। निज़ाम ने अच्छी तरह देखभाल के बाद राजकुमारी को एक कमरे में आराम के लिए कहा, फिर कुछ सोचकर दोबारा बोला, मैं अभी आपके दिल बहलने की तदबीर किए देता हूँ। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और कुछ देर बाद एक मकामी औरत को अपने हमरा ले आया और राजकुमारी से मुखातिब होकर बोला, आप जब तक पसंद करेंगी आपकी ये हमवतन औरत आपकी खिदमत में हाजिर रहेगी। ये कहकर सरदार निज़ाम रुखसत हुआ और वो औरत राजकुमारी के करीब आकर मुअद्दिब बैठ गई। राजकुमारी औरत से मुखातिब होकर बोली, क्या तुम भी मेरी तरह कैदोबंद की मुसीबतों का शिकार हो? हाँ, मैं अपनी खुशकिस्मती के सबब तराइन की दूसरी जंग के मौके पर कैद होकर यहाँ लाई गई थी, औरत ने कहा, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस कैदोबंद की बदौलत अनगिनत मुसीबतों और रोज रोज की ख्वारी से निजात मिल गई है। राजकुमारी ने सख्त मुताज्जब होकर कहा, क्या तुमको कैद में कनीजों की तरह जिंदगी बसर करना अपने वतन में इज्जत और एहतराम के साथ आजाद रहने से ज्यादा पसंद है? मैं सख्त हैरान हूँ कि तुम इस वक्त अपनी जबान से कैसे अल्फाज अदा कर रही हो। काबिले एहतराम राजकुमारी, मैं जो कुछ कह रही हूँ 100% दुरुस्त है, औरत ने कहा, और मेरे दिल की आवाज है। मैं भी जब तुम्हारी तरह पहले पहल कैद हुई थी तो तुम्हारी निस्बत कहीं ज्यादा गमगीन और परेशान थी,
और हमेशा ये दुआ किया करती थी कि मुझे जल्द से जल्द मौत आ जाए ताकि मैं मरकर मुसलमानों की कैद से आज़ाद हो जाऊं। लेकिन अगले चंद रोज़ बाद मेरे रंजो गम और परेशानी सभी का खात्मा हो गया और मुझ पर यह हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया हो गई कि मैंने कबल अज़ी इन मलीच मुसलमानों के बारे में जो कुछ सुना था इसमें हकीकत का शायबा तक न था। मुझ पर यह हकीकत पूरी तरह वाज़ेह हो गई कि मुसलमान कौम इंतहाई नेक तीनत रास्तबाज और पाकिज़ा उतवार है। यूं तो अच्छे बुरे लोग सभी कौमों और मुल्कों में होते हैं मगर इस मुसलमान कौम में जो लोग बहुत बुरे गर्दाने जाते हैं वो हमारी हिंदू कौम के बहुत अच्छे लोगों से भी बदरजा बेहतर और अच्छे लोग हैं। फाते मुसलमान फौजी लोग इन मुसलमान कैदियों की तकलीफ़ों और मुसीबतों से बखूबी आगाह हैं जो हिंदू राजाओं के पास कैदी हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों का सब्र तहम्मुल काबिले दाद है कि ये लोग अपने असीर भाइयों का इंतकाम मैदान जंग में तो अपने दुश्मनों से ज़रूर लेते हैं लेकिन जो बच्चे औरतें और बूढ़े जंग के दौरान गिरफ्तार होकर इनके बस में आ जाते हैं ये लोग उन्हें ज़रा सी भी अजियत और तकलीफ़ नहीं देते। मैं अपनी किस्मत पर नाजा हूँ कि दीन हक कबूल करके मुसलमान कौम में शामिल हो गई हूँ मगर मेरी हमवतन बाज बेवकूफ़ और कम अकल औरतें जो इस्लाम के मुतालिक कुछ नहीं जानती महज अपनी जहालत के सबब इस दीन मुबीन को नापसंद करती हैं। लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि आराम व सुकून और राहत कल्बी के लिहाज से मुझ में और उन औरतों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मुझे जो इत्मीनान हासिल है वो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकती। राजकुमारी अपना सर पीट कर बोली, हाय ये तुमने क्या गजब किया, अपना पवित्र मजहब छोड़कर मुसलमान हो गई। अफसोस सद अफसोस, उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने मजहब की तब्दीली के सिलसिले में अभी आपसे कुछ न कहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके दिल में इस्लाम के खिलाफ वो बुग़्ज़ और अनाद भरा हुआ है जो इस्लाम के बारे में झूठी बातें करके ब्रह्मन लोग और बड़े बड़े पंडित महंत वगैरह हर हिंदू के दिल में भर देते हैं और उसे मुसलमानों से नफरत करने पर मजबूर किया करते हैं। इस वक्त आप भी अपनी नासमझी और लाइल्मी के तहत उन बहतानों और बेसरोपा झूठे किस्सों को सही समझ रही हैं। ये सुनकर राजकुमारी के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और वो डर से सहमी हुई बोली, तुम्हें भगवान के अजाब से डरना चाहिए, तुम पंडितों और दूसरे मुकद्दस रहनुमाओं की शान में गुस्ताखी की मुर्तकब हो रही हो, तुम बेदीन हो चुकी हो, तुम किसी मजहब की पाबंद नहीं रही। खुदाए वाहिद के जाहो जलाल की कसम मैं बेदीन नहीं हूँ, औरत ने कहा, बल्कि मैं एक दीनदार औरत हूँ और अब मजहब को जिस कदर मैं समझती हूँ शायद कोई दूसरा समझता हो। मैं जब अपने गले में जनेऊ लटकाए फिरती थी तो मजहब से बिल्कुल कोरी थी, बाकी रहा पंडितों और महंतों की तौहीन और तकद्दस का मामला तो इंशाअल्लाह जल्द ही तुम भी इन नाम नहाद मजहबी रहनुमाओं के नाम नहाद तकद्दस से बखूबी वाकिफ हो जाओगी। मजहब इस्लाम और हमारे मजहब में जो फ़र्क है, राजकुमारी ने कहा, और हमारे मजहब में जो खूबियाँ हैं तुमने उन्हें फरामोश कर दिया है। अगर इन दो मजाहब का मुकाबला किया जाए तो यकीनन हमारा मजहब अच्छा और मुकम्मल साबित होगा। क्या आप इस्लाम के आला व अरफा उसूलों से वाकिफ हैं, औरत ने इस्तफसार किया। नहीं, अब तुम बता दो तो पता चले, राजकुमारी ने कहा। तो सुनिए, तौहीद का अकीदा इस्लाम की रूह है, औरत ने कहा। मुसलमान एक खुदा को मानते हैं, वही खुदाए वाहिद जिसने ज़मीन व आसमान बनाए हैं और हर जानदार को पैदा किया है, जिसे ज़िंदगी और मौत पर कुदरत हासिल है। फिर इस्लाम की तालीम बहुत सादा है, इसमें ऊंच नीच की कोई तमीज़ नहीं है, सब इंसानों को बराबर समझा जाता है और इंसान की बरतरी का मेयार ये नहीं कि वो किस रंग का है, किस ख़ानदान में पैदा हुआ है या कितना दौलतमंद है, सिर्फ पाकिज़ा अखलाक और नेक आमाल को बड़ाई की बुनियाद माना जाता है। बाहमी मोहब्बत, रवादारी और बेतासुबी पर खास जोर दिया जाता है। राजकुमारी चूंकि एक समझदार लड़की थी इसलिए इस्लाम के अच्छे उसूलों की तो मुखालफत ना कर सकी लेकिन अपने मजहब को बुरा तस्लीम करने पर तैयार ना हुई और बोली, हमारा मजहब भी तो अच्छे अच्छे उसूलों पर मुश्तमिल है। हिंदू मजहब क्या है, यही ना कि इसमें मूर्ति पूजा आम है, औरत ने कहा। महंतों वगैरह ने अपने तौर पर जो रस्में जारी कर दी हैं उनकी पाबंदी पर बहुत जोर दिया जाता है और मजहब की रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी संवारने का किसी को ख्याल तक नहीं है। जात पात के मंदनों ने हिंदू मजहब मानने वाले इंसानों को सैकड़ों ग्रोहों में बांट रखा है। अच्छे आमाल और अच्छे अखलाक पर किसी की नज़र नहीं है। बड़ाई छुटाई किसी खास खानदान या बरादरी में पैदा होने पर मौकूफ है। छूत छात की वबा हर तरफ फैली हुई है। बाज मकामात पर तो ये कैफियत है कि जिन लोगों को अछूत समझा जाता है वो 60-60 गज तक ब्राह्मणों से दूर रहने पर मजबूर हैं। इसके अलावा हिंदुओं ने सैकड़ों खुदा बना रखे हैं और उनकी पत्थर की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा पाठ में मसरूफ हैं। अब तुम ही इंसाफ से कहो कि इस्लाम सच्चा और आला मजहब है या हिंदुओं का खुद साख्ता मजहब।
राजकुमारी अपनी हमवतन औरत की माकूल बातें सुनकर खामोश हो रही और कदरे सुकूत के बाद उसने बहस को फिर एक जदीद सूरत में पेश किया और बोली, मेरी प्यारी हमवतन बहन, नाराज ना हो जाना। मेरी राय में तुमने बड़ी गलती की है कि अपना कौमी मजहब छोड़कर ये नया मजहब इख्तियार करके गैर कौम में शामिल हो गई हो। राजकुमारी साहिबा, मेरी राय में सच्चा दीन इलाही जिस कौम में भी हो, औरत ने कहा, इसे कबूल कर लेना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को बुत परस्ती में गर्क देखा तो अपनी कौम को छोड़कर अलग हो गए। इसी तरह हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी बनी इसराइल की बुराइयों के तहत उनसे किनारा कर लिया और उनके हवारी भी उनका सच्चा दीन कबूल करके अपनी सारी कौम से अलग हो गए थे। मेरी राय में इंसान को बिला खौफ खतर और किसी किस्म की हिचकिचाहट के बगैर सच्चा दीन कबूल कर लेना चाहिए। महज अपनी कौम की रफाकत के ख्याल से अबदी निजात को छोड़ना और झूठे तासुब के तहत सारी उम्र गुमराही के गड़े में गिरे रहना नादानी और बेवकूफ़ी है। मुझे ये जानकर मुसर्रत हुई थी, राजकुमारी ने कहा, कि तुम मेरी हमवतन और हम मजहब हो, मेरी मुसीबत में मेरी गमगुसारी करोगी, लेकिन अब पता चला कि बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तुम तो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। मैं खुलूस दिल से आपकी खिदमत और रफाकत के लिए हर लम्हा मुस्तैद रहूंगी, औरत ने कहा, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप मुझे अपनी एक हमदर्द और जानिसार खिदमत गुजार समझने लगेंगी, और वो इस्लाम जो आज आपके नज़दीक बदतरीन मजहब है, कल आपके नज़दीक इंसानी हमदर्दी का सबक देने वाला और बद अखलाकी और दूसरी बुराइयों का कलाकमा करने वाला बेहतरीन मजहब होगा। फिर मेरा ख्याल था कि आप मजहब इस्लाम से वाकफियत हासिल करना चाहती हैं, इसलिए मैंने इसका मुफसल जिक्र किया है। अगर मैं समझती कि आपको इस्लाम से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है तो मैं आपके सामने कभी इस्लाम का जिक्र तक न करती। मैं वाकई इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हूँ, राजकुमारी ने कहा, यही वजह है कि मुझ पर तुम्हारी बातें नागवार नहीं गुजरी, मैंने तो खुद बात में बात पैदा की है। फिर राजकुमारी ने शरारत से हंसते हुए कहा, मगर बहन, मुझको तुम्हारी तब्दीली मजहब पर अफसोस जरूर है। खैर, अब मुनासिब यही है कि हम दोनों इन बातों को भूल जाएं, औरत ने कहा, आप आराम से अब सो जाएं ताकि जब बेदार हों तो तबीयत हशाश बशाश हो। अब मुझे क्या नींद आएगी, राजकुमारी ने कहा, शायद सिपा सालार कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके सरदार कमालुद्दीन सो गए होंगे। हाँ, दोनों सो तो जरूर रहे होंगे, औरत ने कहा, लेकिन दोनों थोड़ी देर ही सोएंगे, क्योंकि फौज के सारे अफसर आली वकार जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक के बेदार होने के मुंतजर हैं। जाहिर है, जब सिपा सालार बेदार होकर अफसराने फौज से सिला मशवरा करेंगे तो सरदार कमालुद्दीन की मौजूदगी भी जरूरी होगी। क्या सरदार कमालुद्दीन का शाही खानदान से ताल्लुक है, राजकुमारी ने पूछा। उनका शाही खानदान से तो कोई ताल्लुक नहीं, औरत ने कहा, मगर वो एक बड़े मौजिज और बहादुर अरब खानदान के चश्मो चिराग हैं। लश्कर में उनका दर्जा क्या है, राजकुमारी ने कहा, उन्होंने मुझसे ऐसा उम्दा सलूक किया है कि मैं उनकी मेहरबानियों से बड़ी मुतासिर हुई हूँ और उन्हें दिलो जान से पसंद करने लगी हूँ, औरत ने कहा, फिर कदर में खामोश रही। वाली कोहराम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फौज में किसी को हर दिल अजीजी हासिल है तो वो सरदार कमालुद्दीन है, औरत ने फिर कहा, यूं भी वो एक शरीफ नसब, इंसाफ दोस्त, नेक निहाद इंसान है। वो मजलूम के रूबरू इंतहाई रकीकुल कल्ब और जालिम के मुकाबले में सख्त दिल इंसान है। रास्तबाजी, हक गोई और सच्ची खुदा परस्ती उनका तुर्रा इम्तियाज है, और सच्ची बात यह है कि मुझे इस्लाम की सीधी और सच्ची राह पर लाने वाले यही हैं। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे तराइन की दूसरी जंग में कैद होकर उनका साया आफियत नसीब हुआ। मैं तुम्हारी तरह बल्कि तुमसे कई गुना जायद हिंदू मजहब की वाले और शैदा थी, और अपने मजहब को दुनिया का सबसे आला मजहब करार देती थी, और अपनी गिरफ्तारी के इब्तदाई अय्याम में अपने दिल से यह फैसला कर चुकी थी कि मुसलमान खा मुझ पर बेपना सख्तियाँ करें, हर जुल्म सितम रवा रखें, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें, मगर मैं इस्लाम कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दूंगी और हमेशा अपने मजहब पर कायम रहूंगी। लेकिन मेरे इस साबित कदमी के फैसले के बरक्स हुआ ये कि किसी ने भी मुझसे मजहब के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मुझे किसी ने इस्लाम कबूल करने की ना तो दावत दी और ना ही मजबूर किया। मेरे इब्तदाई चंद रोज इसी किस्म की बातें सोचते हुए गुजरे। फिर जब मेरी इज़्तरारी हालत में कदरे सुकून हुआ और मुझे अपने और अपने आका सरदार कमालुद्दीन के रोज़ो शब के हालात पर गौर व फिक्र का मौका फराहम हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बेजा और फजूल तासुब की आग सर्द हो गई और मेरे अक्लो दानिश पर बातिल हिंदू मजहब के जो पर्दे पड़े हुए थे वो होले होले उठने लगे, तो मुझ पर यह हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया हो गई कि अगर मजाहिब आलम में कोई सच्चा और मुकम्मल मजहब है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है, जो सरदार कमालुद्दीन का भी मजहब है। मैंने बनजर गौर देखा और मुझे मुतअद्दिद बार इसका अमली तजर्बा हुआ।
کہ سردار کمال الدین اپنے ہر قول و فعل میں احکام الہی کی پوری پوری پابندی کرتے ہیں۔ وہ جس طرح خلوص دل سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح خدا کے بندوں کے معاشرتی امور میں حق و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔